एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी को कानूनी कार्रवाई मतलब लीगल एक्शन लेने से रोके, वो एग्रीमेंट्स जब सामने वाली पार्टी को कोई लीगल एक्शंस लेने से रोके, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएंगे। तो इसमें है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे, रिस्ट्रेंट ऑन यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग। इसका पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर, रिस्ट्रेंट ऑन यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग। अगर कोई एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसमें वो सामने वाली पार्टी को कोई उसके ऊपर कोर्ट केस करने से रोक रहा है, सपोज एक्स और वाई एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और उनके बीच में एक ऐसी कंडीशन है जो वाई ने डाली है, ये बोलता है कि कुछ भी हो जाए अगर एक्स गुड्स देता है या नहीं देता है, या मैं उसको पैसे दूं या नहीं दूं, हमारे बीच जो भी होगा हम दोनों के उसमें से कोई भी कोर्ट केस नहीं करेगा। तो उसमें वाई का ये कंडीशन था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो या नहीं हो, या मैं पैसे दे सकूं या नहीं दे सकूं, या तुम सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बट हम दोनों के बीच में कोई भी कोर्ट केस नहीं होगा, हम आपस में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो जो कंडीशन थी जो उसको लीगल एक्शन करने से रोक रही है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। फिर इसमें है नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द टाइम ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एक टाइम बाउंड कर देना, सपोज अगर ए और बी कोई दो पर्सन है, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ए और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं और उसमें ए के द्वारा एक कंडीशन डाली गई है बी के लिए कि अगर तुमको केस करना हो तो तुम 2 साल तक कर सकते हो, उसके बाद आप केस नहीं कर सकते हैं। तो उसने उसमें कितना प्रिस्क्राइब कर दिया, 2 ईयर्स, मतलब उसने जो टाइम लिमिट है उसको 2 ईयर्स तक बाउंड कर दिया। लेकिन इंडियन लिमिटेशन एक्ट ये कहता है जब गुड्स और गुड्स को परचेज या सोल्ड किया जा रहा है, जब गुड्स को परचेज या सेल किया जा रहा है और उसमें कोई क्रेडिट लिमिट डिसाइड नहीं है एक एग्रीमेंट में कि तुम ये अमाउंट कब तक पे करोगे, 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में, अगर ऐसा कुछ उसमें मेंशन नहीं है कि 1 साल तक करना है या 2 साल तक करना है, तो कोई भी पर्सन ऐसे सिचुएशन में 3 साल तक केस कर सकता है। लेकिन ये लोग उसको टाइम बाउंड कितना कर रहे हैं, 2 ईयर्स तक, मतलब जो लीगल टाइम है 3 ईयर्स को, ये लोग उसको कम करके कितना कर रहे हैं, 2 ईयर्स, मतलब ये लोग टाइम लिमिट कर रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ये भी कौन सा एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। इसमें नेक्स्ट है एस्टिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड अगर कोई एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें सामने वाले के जो राइट्स हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, आई रिपीट, अगर हम ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें सामने वाले जो पार्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में जो पर्सन है, उसके राइट्स पे अगर रेस्ट्रिक्शन आ रहा है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कहलाएगा। यस मैम। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ द डिफेंडेंट फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ द डिफेंडेंट फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। ये जस्ट
ये है देखो, ये रेस्ट्रिक्शन जो है उसी से मिलता जुलता है ये. सपोज अगर किसी की लाइबिलिटी है 5,000 रुपीज पे करने की, और हम एक ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि ये पर्सन अब लीगली बाउंड नहीं रहेगा पैसे देने के लिए इस पीरियड के बाद. सपोज बोलता है कि बी को पैसे लेने ए से, ए बोलेगा 2 साल के अंदर तक ले सकते हो मुझसे तो लेके दिखा, उसके बाद तो मैं नहीं दूंगा. यहाँ 2 साल के अंदर तक मैं जितना पे कर सका कर सका, या पूरा किया या कुछ पार्ट्स में किया, उसके बाद मैं नहीं पे कर पाया तो मेरे ऊपर उसकी कोई जवाबदारी नहीं होगी. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स में ये जो था एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इसमें ये 4 पॉइंट ही पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन. एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन. सर्टेन क्या होता है? सर्टेन बताइए आप लोग मुझे. द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन मतलब ऐसी चीजें जो अनसर्टेन है. लेकिन ये कैसा होगा? अनसर्टेन किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो यहां पे लिख रही हूं मैं, द अनसर्टेनिटी मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, एक सेकेंड, द अनसर्टेनिटी मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ देखो क्वांटिटी के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी हो सकती है, या फिर क्वालिटी के रिगार्डिंग, या फिर प्राइस, या फिर टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट. तो अनसर्टेनिटी भी कैसी? अनसर्टेनिटी इन 4 चीजों को लेकर, या तो क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, या फिर टाइटल, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका टाइटल के उसमें से. अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि क्वांटिटी जो अनसर्टेन है वो सर्टेन हो जाए, या क्वालिटी सर्टेन हो जाए, मतलब एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया है उतना मिल रहा है या प्राइस है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा. लेकिन अगर अनसर्टेनिटी बनी हुई है इन 4 चीजों को लेकर के, या इनमें से कोई भी एक, या कोई भी 2 या 3 या पूरे 4, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन कहलाएगा. सपोज इसमें एक एग्जांपल देती हूँ. अगर एक्स एग्री करता है कि वो वाई को सेल करेगा व्हाइट हाउस फॉर, उसको बोलेगा या तो मैं आपको 500 में बेचूंगा या तो 1000 व्हाइट हाउस, तो प्राइस से रिगार्डिंग क्या है इसमें? अनसर्टेनिटी है. क्लियर है यहाँ पे? यस मैम. आगे देखो,
एग्रीमेंट इसके ना एग्जाम्पल्स देंगे आप खुद से कम 5 से 6 एग्जाम्पल्स एग्जाम में इतना तो नहीं देंगे। हाँ बोलो मैम। थर्ड नेक्स्ट है देखो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका डेफिनेशन तो नहीं दिया लेकिन जो सर विलियम एंसन है सर विलियम एंसन इन्होंने एक करेक्ट डेफिनेशन दी थी वेजर की। इन्होंने बोला था मैम वेजर बेट को भी बोलते हैं क्या शायद? पहले मीनिंग दे रही हूँ फिर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे वेजर का मतलब क्या है अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ क्या होता है मनी के इक्विवेलेंट कुछ भी अपॉन द डिटर्मिनेशन और एसर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। बताओ क्या समझे बताओ क्या समझे आप लोग। अ प्रॉमिस एक प्रॉमिस क्या है कि हम पैसे देंगे या पैसे के इक्विवेलेंट का कोई ऐसी सिचुएशन का होना या पता लगना जो अनसर्टेन थी मतलब शर्त लगाना बेटिंग करना उसको बोलते हैं एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। किसने बोला था अभी मैंने बोला सही एज्यूम किया था जिसने भी किया था मैम मैंने मैंने नाम है मैंने एजेंशियल्स देखो एजेंशियल्स ऑफ अ वेगरिंग एग्रीमेंट फीचर्स मतलब एजेंशियल्स क्या होंगे इसके फीचर्स क्या होंगे तो बताओ। पहला फीचर है इसका अनसर्टेन इवेंट। क्लियर है ना कि अगर हम बेट लगा रहे हैं तो वो इवेंट तो सर्टेन नहीं होगा वो तो अनसर्टेन ही होगा। तो इसका सबसे बड़ा फीचर होता है कि वो इवेंट क्या है अनसर्टेन है। अगर वो अनसर्टेन नहीं है तो वेगरिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक फ्यूचर इवेंट पे बेस है जो अभी होने वाला है हुआ नहीं है फ्यूचर इवेंट विच इज येट टू टेक प्लेस। दूसरी चीज जो दोनों पार्टीज हैं कंसर्न जिनके बीच में बैट लगी है दोनों ही उस सिचुएशन या उस रिजल्ट से अननोन है मतलब उन दोनों को ही नहीं पता है कि क्या होगा व्हाट विल हैपन अगर वो हुआ तो। क्लियर है ये चीज अनसर्टेन इवेंट में। नेक्स्ट देखो म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस दोनों का इक्वल चांसेस है लॉस और गेन का। कोई भी जीत सकता है उस बेट में और कोई भी हार सकता है। म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। नेक्स्ट इसमें देखो नेदर पार्टीज कंट्रोल ओवर द इवेंट। किसी का बस नहीं चलेगा कोई कंट्रोल नहीं है उस इवेंट पे किसी का भी कंट्रोल करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। सपोज कल आईपीएल का मैच हुआ था मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में किसी ने देखा था वो मैच? यस मैम। कौन जीता? आई तक देखा था मैंने। किंग्स इलेवन मुंबई जीती मैम सुपर ओवर में। सुपर ओवर में कौन मैम? सुपर ओवर कॉन्ट्रास्ट में। हाँ पंजाब जीती पंजाब जीती थी। किसी को चांस किंग्स इलेवन पंजाब कि मुंबई इंडियन हार जाएगी करके है ना तो उसमें कितने लोगों की बैट लगी होगी नहीं तो किसी का कंट्रोल रहा होगा कल वाले इवेंट पे। बेस्ट एग्जांपल है इसका। आगे देखो नाइदर पार्टी कंट्रोल हो गया नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट इसमें लिख सकते हो गया ना नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट और कोई इंटरेस्ट नहीं है उस इवेंट में सामने वाले को उसको सिर्फ इंटरेस्ट है अपने जो उसने बोला है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
मतलब इसमें इसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, पैसे निकालना, कि वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, दोनों का। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, ऑब्वियस की शर्त इसीलिए ही लगाई जाती है कि उसके हमको कुछ मिले पैसे से रिगार्डिंग, या फिर पैसे का इक्विवेलेंट, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। तो ये फीचर्स हैं एसेंशियल्स ऑफ। एक और इसमें लिख सकते हैं एक लास्ट, द स्टेक, जो दाव पे लग रहा है, जो स्टेक लग रहा है, द स्टेक मनी शुड कम आउट ऑफ द पॉकेट्स of party themselves। जो स्टेक का पैसा है, जो दाव पे लग रहा है, वो अपने जेब से ही निकालने पड़ेंगे उनको। क्लियर है फीचर्स ऑफ वेगरिंग एग्रीमेंट के? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अब इस पे देखो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इफेक्ट्स। इसका सबसे बड़ा कंसिक्वेंस और इफेक्ट ये है कि ऐसे जो एग्रीमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, ये वैलिड होंगे कि इनवैलिड होंगे, बताइए, वॉइड होगा कि वैलिड होगा? मैम वॉइड होगा, क्योंकि ऐसे केसेस को आप कोर्ट केस में नहीं इन्वॉल्व कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप लोग जीत भी जाते हैं, सपोज आप जीत भी जाते हैं और आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप सामने वाले के ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? या ऐसा हो जाएगा क्या कि तुम हार गए, अब तुम अभी तो नहीं दे पा रहे हो, लेकिन एक साल के अंदर तुम इसको उधार समझो और एक साल के अंदर मेरे को इसका अमाउंट पे करते जाना, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो बैकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वेगरिंग एग्रीमेंट है, शर्त लगी थी, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वेगरिंग को लॉटरी, लॉटरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको। जो लॉटरीज खरीदी जाती है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको, बताओ, सोचो थोड़ा सा। यस मैम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लॉटरी में भी चांस होता है, जिस्ट उसमें लॉट्स में से वो निकालते हैं ना, ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स करते हैं उसमें से, या तो आइदर तुम जीतोगे या तो आइदर तुम हारोगे, इसलिए लॉटरी एक तरीके का क्या है, वेगर। दूसरा है इसमें लॉटरी के बाद कंपेयर, रुको मैं इसको लिखते जाती हूँ, कंपेयर विथ अदर टाइप ऑफ पहला लॉटरी के साथ किया, सेकंड इसमें मैं कर, आप लोग बताओ और किससे कंपेयर कर सकते हैं लॉटरी के अलावा इसको? इंश्योरेंस कर सकते हैं, इंश्योरेंस के साथ इसको कंपेयर। बताओ इंश्योरेंस क्या होता है? पर मैम इंश्योरेंस में तो पैसा मतलब मिलता ही है ना, पैसा वो तो लीगल रहता है। नहीं बेटा, आप लोग शायद इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझे नहीं अभी। इंश्योरेंस में सपोज अगर हमने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया है और बीच में किसी को कुछ हो जाता है तो डबल अमाउंट मिलता है, या उसका जो एक्सपेंस बियर करने का अमाउंट होगा वो भी मिलेगा, लेकिन किसी को कुछ हुआ ही नहीं,
तो बाद में एक अमाउंट एज अ एफडी मिलता है, लेकिन जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते. सपोज अगर मैं 2.5 लाख का एक पॉलिसी ले रही हूँ जिसमें इंश्योरेंस कवर है कितने का, 2 लाख का, समझो. ये सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, आप लोग अपना सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा सा एक्सपोजर करो, वाइड रखो. अगर अपन पॉलिसीज लेते हैं एफडी 2.5 लाख की जिसमें 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है, लेकिन अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई नीड है उस इंश्योरेंस का कि हमको वो मिल सकता है, तो वो 2 लाख तो मिलेंगे इंश्योरेंस के, प्लस 2.5 लाख भी मिलेगा मैच्योरिटी पे, लेकिन आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो जो उसके इंश्योरेंस बेनिफिट्स थे वो आपको नहीं मिले, आपको सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिलेगा उस पॉलिसी के कंप्लीट होने के बाद. आ रहा है समझ में? आप लोग अगर ये सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस लिख रही हूँ तो सारे टाइप ऑफ इंश्योरेंस पे ये चीज एप्लीकेबल है, नहीं, सारे चीजों पे हर चीज कैसे एप्लीकेबल हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा वाइड होके सोचना पड़ेगा कि इसमें नहीं तो उसमें. पॉलिसीज वगैरह जो ली जाती हैं LICs की, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह, तो उसमें इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं. सिर्फ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है सिंगल, वो अलग है. आ रहा है समझ में? यस मैम. अब ये देखो, क्रॉसवर्ड पजल इन प्राइस कंपटीशन, बताओ हो सकता है? चिट फंड कंपेयर कर सकते हैं ना इन सब कॉन्ट्रैक्ट से इनको. चिट फंड के अलावा देखो हॉर्स रेसिंग, नेक्स्ट गैम्बलिंग. हॉर्स रेसिंग के बाद आएगा गैम्बलिंग, तो इनके साथ हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं. क्या होता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन बताओ, सुना है कभी स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स? देखो जो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन है ये वैलिड होता है, याद रखना. जो 7th पॉइंट पे मैंने स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन लिखा है ये वैलिड होता है. वैलिड क्यों होता है? सपोज इसमें क्या होता है, दोनों का इंटेंशन सही होता है लेकिन एक रिस्क रहता है. इसको नजराना बोल सकते हैं, जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से लिया जाता है तो होता है इसमें रिस्क है. सपोज अगर आज हमने उसका डिसाइड किया है 500 प्राइस, लेकिन जब हम कल उसको खरीदने जा रहे हैं या परचेज करने का सोच रहे हैं उस ब्रोकर से, तो अगर उसका शेयर का प्राइस अगर 600 हो गया है तो भी हम लेंगे. प्राइस आगे पीछे हो चुका है तो इतना रिस्क चलता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस. इसको नजराना कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. या सपोज आप लोग कुछ घर वगैरह परचेज कर रहे हैं और आपने एक अमाउंट एज अ नजराना दिया, लेकिन बाद में आप घर नहीं ले पा रहे हैं, तो जिस पर्सन को दिया है वो अमाउंट कभी वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका राइट हो जाता है इस पे. तो ऐसी 3-4 सिचुएशंस आती हैं जहां पे ये वैलिड होता है, तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन पे वो वैलिड होगा. दूसरा इसमें लिख सकते हो, नहीं 8 इनफ है आप लोगों के लिए, 7 बस.